करनाल में स्थित एक होटल में बीते माह एक शादी समारोह के दौरान 11 वर्षीय बालक की स्विमिंग पूल में डूबने से हुई मौत के मामले में परिजनों ने आज यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल से भेंट कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें होटल प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में एक पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए मृतक के पिता विकास गोयल ने बताया कि उनके बच्चे की मौत होटल प्रबंधन की लापरवाही के चलते हुई। घटना के दौरान स्विमिंग पूल के पास ना कोई लाइफगार्ड मौजूद था, ना ही मैनेजमेंट का कोई कर्मचारी। पूल के किनारे पर कोई ग्रिल भी नहीं लगी हुई थी, जिसे पकड़कर बच्चा ढंग से नहा सकता या बचाव कर पाता। कोविड प्रतिबंधों के तहत वैसे भी उन दिनों पूल बंद होना चाहिए था। शादी समारोह के बीच हम लोग बच्चे को खोजते हुए जब पूल के पास पहुंचे तो उसे डूबता हो पाया। हम बच्चे को तत्काल पास के एक निजी अस्पताल में ले गए, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो गई थी। इस मामले की रिपोर्ट 19 जुलाई को प्रातः 10:45 पुलिस थाना सेक्टर 32 करनाल में करवाई गई थी। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304A के तहत होटल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया। नरवाड़ा निवासी विकास गोयल ने कहा कि होटल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही बरतने संबंधी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भविष्य में दोबारा किसी के साथ ऐसी अनहोनी ना हो पाए। इस बारे में अपनी फरियाद करते हुए हमने मुख्यमंत्री और DJP हरियाणा को एक ज्ञापन सौंप दिया है। 17 जुलाई 2021 को अपने परिवार के साथ नूर महल होटल करनाल शादी का फंक्शन अटेंड करने के लिए गया था और 17 तारीख को रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम था और वहाँ हमारा स्टे था। उसके बाद 18 तारीख को शादी का प्रोग्राम होना था। उससे पहले सुबह 9 से 4:30 तक बांधने का प्रोग्राम था, जो स्विमिंग पूल के चारों तरफ था। स्विमिंग पूल को देखते हुए मेरे बेटे ने मेरे से नहाने की जिद की और मैंने होटल स्टाफ से मौखिक परमिशन ली और उन्होंने मुझे 4:30 का टाइम दिया और सुरक्षा इंतजाम के बारे में भी मैंने पूछा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और मैंने अपने बच्चे को कॉस्ट्यूम दिला के वहाँ पर स्विमिंग पूल में नहाने के लिए अनुमति दे दी। उसके बाद बच्चा हादसे का शिकार हो गया और वहाँ कुछ शोर होने के कारण मैं भी वहाँ था, आसपास ही था, और शोर होने के कारण मुझे महसूस हुआ कि कुछ गलत हुआ है और हम वहाँ इकट्ठे हुए और फिर मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं है और सब शोर मचा रहे हैं। मेरा बच्चा पानी में डूबा हुआ था। जैसे ही मैं बच्चे के पास पहुँचा, दो बॉडीगार्ड भी शोर सुन के वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने बच्चे को निकाला और उसको हॉस्पिटल ले गए। लेकिन होटल के अंदर टाइम से सुरक्षा इंतजाम ना मिलने के कारण, सुरक्षा गार्ड ना होने के कारण और किसी प्रकार का फर्स्ट एड ना मिलने के कारण बच्चे के साथ ये हादसा हो गया। अगर होटल में प्रॉपर फर्स्ट एड, सुरक्षा गार्ड और सभी इंतजाम होते तो मेरा बच्चा बच सकता था। और मुझे यही दुख है कि भविष्य में किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और इसीलिए मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि इस होटल को सील किया जाए। वहां पर इस प्रकार की और भी बहुत कमियां नज़र आई, कृपया करके प्रशासन इसमें संज्ञान ले। FIR दर्ज हुई? अगले दिन 19 तारीख को FIR दर्ज हो गई थी। तो उस पर कुछ एक्शन लिया गया? आज एक महीना हो गया, वहां पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया और किसी प्रकार का कोई संतोषजनक जवाब हमें वहाँ से नहीं मिल रहा। क्या बोल रहे हैं वो लोग? वो कहते हैं कि इसमें अभी जांच चल रही है और जांच में आपको हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते। और मैंने वहाँ CCTV की फुटेज मांगने की कोशिश की कि मेरे बच्चे के साथ एक्चुअली हुआ क्या है, वो भी मुझे नहीं दी गई। अगर वहाँ फुटेज भी मिल जाती